अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीज शाह नावल्स पे। तो जो लोग वॉइस सुनने वाले हैं एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के एपिसोड नंबर 2 आ चुकी है, सेकंड एपिसोड का सेकंड पार्ट आ चुका है। तो लेट्स स्टार्ट आज की हमारी एपिसोड, जो कि है जुनून यारम की सेकंड एपिसोड का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग नीचे बैठे बातें कर रहे थे, जबकि रोयाम खेल खेल कर अब थकने लगा, तो निगाहें यारम को ढूंढने लगी थी। रू मेला बत्ता मेले पाले से बापा किधर है? रू मेरा बच्चा मेरे प्यारे से बापा किधर हैं? इसने रू को देखते हुए मासूमाना अंदाज में पूछा, तो रू ने मुस्कुरा कर ऊपर की तरफ इशारा किया था। गंदे बाबा, राक्षस बाबा एकदम से प्यारे हो गए थे। यकीनन कोई लालच था। इसका इशारा पाते ही वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर की तरफ जाने लगा था, जबकि रू इन सब के साथ बैठी बातों में मसरूफ थी। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही सोफे पर रोयाम यारम काम करता इसे नज़र आया था। वो भागकर इसके पास आया, जबकि यारम इसे इग्नोर करते हुए अपने काम में मसरूफ था। जब वो इसके काम को नज़रअंदाज करता, सोफ़े और टेबल के बीच वाली जगह पर आकर रुकता, इसके लैपटॉप को घूरने लगा था। यारम ने आहिस्ता से इसे उठाकर साइड पर किया। इसने घूर कर यारम को देखा था और अब की दफ़ा वो इसकी गोद में चढ़ कर बैठ गया। मैं काम कर रहा हूँ चूज़े, यारम ने इसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा था। नज़रों से सख्ती से वार्न भी किया गया था कि उसे तंग ना किया जाए, लेकिन वो रोयाम यारम काजमी था। मैं काम देख रहा हूँ चूज़े के बाबा, मैं काम देख रहा हूँ चूज़े के बाबा, जवाब फौरन से मौसूल हुआ था। कौन बाबा? कहाँ का बाबा? निकल इधर से। जब नीचे अपने मामे के चेहरे को चाट रहा था, तब याद नहीं आई थी बाप की। वो एक झटके से इसे पीछे धकेलते हुए बोला, तो रोयाम तो जैसे अब इसके गुस्से की वजह समझ आई थी। वो तो जूत जूत ता पाली तो रोतने के लिए, वो तो झूठ झूठ किया था परी को रोकने के लिए। इसने जैसे अपनी सफाई बयान की थी, लेकिन वो यारम ही किया जो इसकी सुन ले। बाबा जानू शोली ना, बाबा जानू सोरी ना, वो एक दफ़ा फिर से इसकी गोद में चरने लगा था, जबकि यारम ने इसे गरीबान से पकड़कर सोफे पर पटख दिया। मतलब वो मानने का कोई इरादा नहीं रखता था, जबकि पटके जाने पर वो अगले ही लम्हे उठकर इसके कंधे पर सवार होता फिर से माफ़ीनामा जारी करने लगा था। परी को यहाँ रोकने के लिए तो उस साले के गाल चाटना शुरू कर देगा। वो इसे गरेबान से पकड़कर सीधा करता, अच्छा हासा झिझोरते हुए इसे दोबारा सोफे पर पटक चुका था, जबकि यारम को अब अपनी गलती का एहसास अच्छे से हो रहा था। शोली बोल तो रहा हूँ, सॉरी बोल तो रहा हूँ, वो इसके पास आते हुए अचानक इसके गाल पर झुकते सुबह वाली खूबसूरत से फूल पर बड़े प्यार से अपने गीले लब रख रहा था। रोयाम नो, अब की दफ़ा यारम ने सख्ती से कहा तो वो मुंह बनाकर पीछे हट गया। आंदा नहीं तलूंदा, पता प्रोमिश,
आइंदा नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। इसने अपनी दो नन्नी नन्नी उंगलियों से गर्दन की नस पकड़ते हुए कहा था और अब वो आराम से इसके साथ बैठ गया था, जबकि यारम ने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शोली बाबा दानो, सॉरी बाबा जानो, वो हर थोड़ी देर में बड़ी मासूमियत से सॉरी कर रहा था, जिसे यारम पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था, जबकि अपने बाप को मनाने में नाकाम होते हुए रूह की तरह इसने भी बैठकर अचानक से रोना शुरू कर दिया। तो यारम ने गुस्से से एक नज़र से घूरते हुए सोफे की पुश्त से टेक लगाए अपना काम छोड़ दिया था और फिर अचानक इसे गरेबान से पकड़कर उठाकर अपने करीब करता इसका चेहरा देखने लगा। इसके अचानक उठाकर पास करने पर रोयाम का रोना बंद हो चुका था। मोटी मोटी मासूम आँखों में आंसुओं का समुंदर बह रहा था। एक बात कान खोल कर सुन ले रोयाम, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तू किसी और को इस तरह प्यार करे। बेशक झूठा ही सही, लेकिन तू सिर्फ अपने बाप को इस तरह प्यार कर सकता है। आई मेरी बात समझ में? वो इसके सीने से इसकी शर्ट को पकड़े इसे झिंझोर रहा था, जबकि रोयाम ने बड़ी मासूमियत से ज़ोर शोर में हाँ में सर हिलाया था। तू सिर्फ अपने माँ बाप का गाल चूम सकता है, किसी तीसरे का नहीं, वो इसे रूल बता रहा था, जबकि रोयाम ने एक दफ़ा फिर से पूरी शिद्दत से गर्दन हिलाई थी। चल अब मना मुझे, वो इसे खींच कर अपने करीब करता इसकी गर्दन पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए बोला। तो रोयाम ने खिलखिलाकर इसके गाल पर बहुत सारे किसेस एक साथ दिए थे। वो रूह की तरह था, इसके गुस्से पर रूह की तरह रिएक्ट नहीं, रूह किसी तरह का रिएक्ट नहीं करती थी, इसकी शिद्दतों को सुकून से झेल लेती थी, क्योंकि यारम को गुस्सा दिलाने का मतलब इसे नाराज़ करना था और यारम आसानी से मानता नहीं था, और इसे और इस मामले में वो बिल्कुल रुख पर गया था। इस वक्त वो पुरसकून सा हंसते खेलते चीखते चिल्लाते इसकी तशद्दुदाना मोहब्बत को कबूल कर रहा था, जब अचानक दरवाज़ा खोल कर रुख अंदर दाखिल हुए। अच्छा जी, तो यहाँ बाप बेटे की मोहब्बत चल रही है और वहाँ मैं आप दोनों को ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। ये रोयाम को इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको ढूंढते ढूंढ आप पर? वो इन्हें ढूंढते ढूंढते ऊपर आ गया, ऐसी कौन सी लालच थी अपने प्यारे से बाबा जानू से? वो यारम के पास आकर बैठते हुए रोयाम से पूछने लगी, जो इस वक्त पूरी तरह यारम के कब्ज़े में था। रोयाम लालची नहीं है, रोयाम लालची नहीं है, इसने मुंह बनाकर रुख को बताया था। वो हरगिज़ यारम को नहीं बताने वाला था कि वो यहाँ ऊपर यारम से ऊपर वाली अलमारी के दराज से अपना न्यू कंबल निकलवाने वाला था, ताकि वो परी के साथ जाकर सो सके। अच्छा अच्छा, सॉरी बाबा, यानी कि रोयाम को अपने प्यारे से बाबा पर रियल वाला प्यार आ रहा है, रू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो यारम के डिम्पल्स परी आपोताप से चमके थे, जिस पर रोयाम ने अगले ही लम्हे अपने नन्हे नन्हे लब रखे थे।
रुख तो हैरान थी मोहब्बत के इस मुजाहिरे पर, जबकि यारम इसे अपनी बाहों में भरे इसके प्यार को बड़े हक से वसूल कर रहा था। अच्छा रुयाम, अब बस जल्दी से ब्रशी कर लो, फिर आपको परी के साथ सोने जाना है ना, रुह ने इसे देखते हुए कहा तो उसने फौरन नफी में सर हिलाया था। नो रू बेबी, लोयाम अप्पे बाबा तानू ते पाशात शोएदा। नो रू बेबी, रोयाम अपने प्यारे से बाबा जानू के साथ सोएगा, इसने यारम के कंधे पर सर रखते हुए इलानिया कहा था। यारम को अपने बेटे पर बड़ा प्यार आया, जबकि रूह तो हैरान थी, लेकिन इसे कैसे, ऐसे कैसे, परी आपका वेट कर रही है और आपने परी को यहाँ रोका इसीलिए था ना ताकि आप इसके साथ सो, वो इसे देखते हुए बोली थी, जबकि रोयाम यारम के कंधे पर सर रखे फौरन नफी में सर हिलाता चेहरा फेर गया था। यारम ने इसे शिद्दत से खुद में बींझा था, जबकि रूह हैरान सी यारम को देख रही थी। रूह, मेरा बेटा बहुत समझदार है, इसे एक ही बार में समझ आ जाता है कि इसके बाबा को क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन तुम्हें इतने साल गुजर जाने के बाद भी समझ नहीं आया, वो इसके गाल को देखते हुए बोला था, जहां लैला ने जाते हुए ज़बरदस्ती किस करके अपनी लिपस्टिक का निशान छोड़ते हुए यारम की निगाहों में खुद को गुनाहगार कर दिया था। हालांकि वो नीचे रगड़ रगड़ कर इसकी लिपस्टिक का निशान साफ़ करने की कोशिश करके आई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत निशान अब भी बाकी था। यारम, वो लैला ज़बरदस्ती शट अप, जाकर मुंह धो के आओ, वो बेहद गुस्से से बोला तो वो अगले ही लम्हे उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी। और अब जब तक इसका ये दाग साफ ना हो जाए, इसका बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, वरना यकीनन यारम ने हज़ार दफ़ा इसका चेहरा धुलवाना था। रू वॉशरूम में बंद थी, जबकि वो रोयाम को अपनी बाहों में उठाए नीचे ले आया। इरादा इसके लिए दूध बनाने का था। बाबा दानू, आई लव यू, आप नाच तो नहीं हो ना लोयाम से? बाबा जानू, आई लव यू, आप नाराज़ नहीं होना रोयाम से? वो यारम के कंधे से अलग होता इसका चेहरा अपने नन्हे नन्हे हाथों में थामते हुए बोला तो यारम ने मुस्कुरा कर इसके डिंपल्स पर प्यार किया था। नहीं मेरे डेट फिटे चूजे, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो इसके लिए दूध के डब्बे से पाउडर निकालते हुए बेहद मोहब्बत से बोला, जबकि रोयाम को कुछ सुकून हुआ था। यारम को अच्छा लगा था, इसके बेटे को इसकी नाराज़गी की परवाह थी, यकीनन अब वो आइंदा इसे हरगिज़ नाराज़ नहीं करने वाला था। हम दोनों मामा से नाराज हैं, लैला आंटी ने लो बेबी तो किश्तिया नानी ते अम्मा तही थी। हम दोनों मामा से नाराज़ हैं, लैला आंटी ने रो बेबी को किस किया, नानी अम्मा कहीं की, वो मुँह की डिज़ाइन बनाते हुए बोला तो यारम हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ, लैला बहुत चिढ़ती थी इसके नानी अम्मा कहने पर। नहीं, ये फ़ैसला हम सुबह करेंगे कि हमने नाराज़ होना है या नहीं होना, वो इसे देखते हुए बोला तो रोयाम ने ना समझी से हाँ में सर हिलाया था। इसने अपने बाप का हुक्म मानना था, जबकि यारम को पता था रूह रात में इसे मनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। मुमकिन था कि वो रात तक इसे मनाने में कामयाब हो जाती और सुबह तक नाराज़गी कायम रखने की नौबत ना आती
और रोयाम रात की बातें कभी भूलता नहीं था, इसलिए इसने पहले ही इसके सामने सारा मामला क्लियर कर दिया था। वो दूध की बोतल इसे पकड़ाते हुए ऊपर की तरफ चल दिया था। जब आगे से दर्द कमरे से निकलता किचन की तरफ आता, हाथ में पानी का जग था। रोयाम बेबी, तुम नहीं आए और इधर तुम्हारी परी सो भी गई। वो रोयाम को यारम की गोद में चरे देखकर बोला, जिसकी आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता नींद से बंद हो रही थी। कोई बात नहीं, रोयाम अपने बाबा के पास सोता है, यारम ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। तो इसने हैरत से रोयाम को देखा था। वो क्यों? ओ जलन यारम, इस बात पर भी जलन? और अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारे बेटे ने आज दिन में मुझे कोई 10-15 किसेस दिए हैं तो मुंह गंदा हो गया। गंदे किसेस? मुंह गंदा हो गया, गंदे किसेस? रोयाम यारम के कंधे से सर हटाते हुए गंदा सा मुंह बनाकर बोला। तो अब की दफ़ा दर का मुंह खुल गया था। कोई बात नहीं मेरी जान, हम अभी ब्रश कर लेंगे, यारम ने उसे अपने सीने से लगाते हुए दर के अल्फाज इसके मुंह पर मार गया था, जबकि वो मुंह खोले इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। अल्लाह, कैसी मेसनी औलाद है रूह की, दिन में मामू जानू हो रहा था और अब मेरे किसिस गंदे हैं, ब्रश करके साफ करेगा अपने लबों को मेसना भूतना छोटा डोन? वो इसे घूरते हुए झुंझुला कर किचन की तरफ चला गया था। वो कमरे में दाखिल हुए तो रूह बेड पर बैठी हुई थी। रेड कलर की खूबसूरत सी नाइटी में वो यारम के ख्वास और जज्बात झिंझोर रही थी, जबकि रोयाम को उठाए बेड पर इस तरह से आकर लेटा कि रूह को उठना पड़ गया। मामा, आप मेरे बेड पर सो जाओ, आज बाबा जानू और रोयाम बड़े बेड पर सोएंगे। रोयाम ने इसे ऑर्डर देते हुए अपने छोटे बेड की तरफ इशारा किया, जो इतना भी छोटा नहीं था कि रू इस पर ना सो पाती। रोयाम बड़ा हो रहा था तो इसका बेड भी काफ़ी बड़ा था, जहां लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर जिस्मानत का यारम तो ना सही, लेकिन छोटी सी नाजुक सी जान रूह अपने नाजुक सरापे के साथ एडजस्ट हो सकती थी। यारम से कुछ कहना चाहा, जबकि वो करवट बदलता रोयाम को अपने नीचे करता फीडर्स के मुंह से लगाते इसे अपनी बाहों में भरते हुए आंखें बंद कर गया, जबकि इसका हाथ रोयाम के नन्हे से पेट पर आहिस्ता आहिस्ता इसे थपक रहा था। रू बेबसी हो गई थी, यारम शायद इसकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो खामोशी से अपना सितम ढाता सिरापा लेकर रोयाम के बेड पर आकर बैठ गई थी। ना जाने क्या वक्त था जब यारम की नींद अपने सीने पर किसी के हल्के बोझ से खुली थी। वो रोयाम नहीं था, इसका पाँव सा पित्तू सा बच्चा हरगिज़ इतना वज़न नहीं रखता था। तभी वो आंखें खोलता अपने गाल पर नाजुक लबों का लम्स महसूस हुआ। क्यों अपनी जान अजाब कर रही हो रो बेबी, पछताओगी, इसने आंखें खोले बगैर कहा। आप सॉरी एक्सेप्ट करने का क्या लेंगे, बस ये बताएं। वो आहिस्ता से इसके लबों पर अपना नाजुक हाथ रखती सवालिया अंदाज में बोली थी। जब यारम ने आंखें खोलते हुए एक नज़र छोटे बेड की तरफ देखा, जहां इसका चूज़ा बिना शर्ट के आराम से नींद में डूबा हुआ था। क्या दे सकती हो, इसने एक नज़र रुक के नाजुक सरापे पर डाली थी। रेड कलर की नाइटी ने यारम के ख्वासों को दोबारा से झिंझोरा था। पहले तो वो अपने जज्बात को थपक कर नाराज़गी का इजहार करता सो गया था, लेकिन अब इसने इसे जगा कर इसके सारे जज्बात को अंगराई लेकर बेदार कर दिया था। मैं रोयाम की तरह
आपको 10 किसेस दे सकती हूँ, इसने बड़ी मासूमियत से कहा। रोयाम ने किसके साथ साथ मुझसे वादा भी किया है कि वो अपने मामों को ये बात क्लियर भी करके आया है कि आइंदा ऐसी गलती यानी किसी और के गाल को चूमने की नहीं करेगा। लेकिन तुम क्या गारंटी दे सकती हो, वो जैसे चैलेंजिंग अंदाज में बोला था। हाँ, वो लैला को नहीं रोक सकती थी। वो एक बहुत ही कमीनी किस्म की औरत थी जो यारम के हाथों इसकी बैंड बजाने की कस्में खाए बैठी थी। यारम, लैला सुनती ही नहीं है मेरी, वो बस रो देने को थी। तो क्या कहा था कि मैं इसके होंठ काट देता हूँ? तब तुम्हें अपने मामू की फ़िक्र लाहक हो गई थी कि मेरे इतने हैंडसम से मामू के साथ होंठ कटी लैला अच्छी नहीं लगेगी। इसने जैसे से कोई पुरानी बात याद करवाई थी। यारम, प्लीज़ आप बताएं ना, आप कैसे मानेंगे? वो पुरानी बातें नज़रअंदाज करते हुए इससे सवाल पूछने लगी। तो यारम ने ज़रा सा सोचते हुए अपना मोबाइल निकाल कर इसके सामने किया था। ये फ़ोन पकड़ो और लैला को इस बात पर राजी करो कि वो आइंदा तुम्हें कभी किस नहीं करेगी। वो मुझे फ़ोन करके इस बात की गारंटी दे। इसने जैसे इसे चैलेंज किया था, जबकि रू इसे देख कर रह गई थी, क्योंकि ये तो नामुमकिन सी बात थी ना। रूह यारम का फ़ोन अपने हाथ में पकड़े हुए थी। वो लैला को फ़ोन करके इससे क्या कहे, इसे कैसे मना करे कि वो कैसे मना करे खुद को किस करने के लिए। लैला को तो खुद भी पता था कि यारम को इसकी ये हरकत कितनी नापसंद है, लेकिन फिर भी वो पास नहीं आती थी, सिर्फ और सिर्फ इसकी यारम के हाथों शामत लाने के लिए। और इस वक्त भी वो इसे जानबूझ कर किस करते हुए अपनी खुदा ब्यूटी की लिपस्टिक का निशान छोड़ कर गई थी जो आसानी से ना जा सके। मेरा नहीं ख्याल कि तुम मुझे मनाने में कामयाब हो सकती हो रूह बेबी, फ़ोन रख दो और सो जाओ, और अब मुझे तंग मत करना, वो बेड पर लेटते हुए बोला। तो रूह इसके करीब हुई थी। नहीं यारम, मैं करूँगी, मैं कैसे भी करूँगी, मैं फ़ोन करती हूँ। लैला को रूह ने कुछ सोचे समझे बगैर लैला का नंबर मिलाया था। जबकि यारम के नंबर से कॉल आती देख लैला ने फौरन ही इसका फ़ोन उठाया, क्योंकि आधी रात का वक्त था, कोई भी ज़रूरी काम हो सकता था। लैला, मैं बात कर रही हूँ रूह, इसने अपना लहजा मजबूत बनाते हुए कहा। तो दूसरी तरफ लैला हैरान हुई थी, वो आधी रात को फ़ोन क्यों कर रही थी, हालांकि वो जानती थी कि इस वक्त वो सो रही होगी, तो फिर फ़ोन करने की क्या वजह हो सकती थी। हाँ रूह, बोलो, क्यों फ़ोन किया तुमने, हैरियत तो है ना, सब कुछ ठीक है, वो परेशानी से पूछने लगी। तुमने मुझे जाते हुए किस क्यों किया था, वो बेहद गुस्से से पूछने लगी। तो दूसरी तरफ से लैला को हंसी आ गई, क्योंकि मुझे तुम्हारे फूले फूले सुर्ख गाल बहुत अच्छे लग रहे थे, और फिर मैं चाहती थी कि यारम के हाथों ठीक से तुम्हारी बैंड बजे, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपनी हेयर कटिंग यारम को दिखाई, सो इसे मेरी तरफ से तुम बदला कह सकती हो। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि यारम ने कोई कमी छोड़ी होगी, वो मज़े लेते हुए बोली। देखो लैला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जान की तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो। तुम जानती हो ये हरकत यारम को कितनी नापसंद है। आज भी तुम्हारी वजह से तुम्हारी इस हरकत यारम की नज़र में आ गई है। वो पहले मेरा गला काटने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैंने सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर लगा दिया है। अब तुम जानो और यारम जाने, रुख बेफिक्र अंदाज में बोली। तो दूसरी तरफ लैला बेड से उछल कर बैठी थी, जबकि इसके हिलने पर हिजर ने नापसंदगी से रुख बदल कर इसकी तरफ देखा था। वो अपनी नींद ख़राब होने पर इसे घूरा था, जिसकी परवाह कम से कम लैला को नहीं थी। वो इसे इग्नोर करते हुए दोबारा रूह की तरफ मुतवज्जो हुई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर क्यों लगा दिया यार, मैं तो मजाक में किस की थी, तो तुम्हें तो पता है ना मैं मजाक में उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम छोटे बच्चे की तरह इतनी सी बात शोहर के सामने शिकायत लेकर पहुँच जाओ, वो नाराज़गी से बोली।
मैं ये सब कुछ नहीं जानती लैला, अब तुम जानो और यारम जाने। वैसे अगर तुम यारम को फ़ोन करके इनसे वादा करो कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकती हूँ। वो बालकनी में खड़ी एक नज़र अंदर यारम को देखते हुए से बता रही थी, जबकि यारम बेड पर लेटा निगाहें रोयाम के नन्हे से वजूद पर जमाए हुए था, जिसको रू ने उठाकर छोटे बेड पर लटा दिया था। इतना अंदाज़ा तो यारम को था ही कि रूह लैला को मनाने के लिए इसी के नाम की धमकी दे रही होगी। खैर, इसे फ़र्क नहीं पड़ता था, इसकी बीवी बस इसे मनाए कैसे मनाए ये मैटर नहीं करता था। इसने एक नज़र बाहर रूह की तरफ देखा था और फिर बेड पर लेट कर इसका इंतज़ार करने लगा। बाहर से इसे इसकी हल्की हल्की आवाज़ बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं क्या करूँ रूह, बताओ मुझे, डाइन कहीं की फंसा दिया ना तुमने, वो परेशानी से कह रही थी, जबकि इसकी हालत अब रूह को मज़ा दे रही थी। करना क्या है यार, हमको फ़ोन करो, माफ़ी मांगो और वादा करो कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी। हमेशा मुझे फंसाती हो ना, इस बार तुम खुद फंस गई हो। मैंने तो ये भी कह दिया है कि तुम उनको जलाने के लिए ऐसा करती हो। रूह ने मज़ीद मसाले लगाए थे। मैं गलत थी जो तुम्हें मासूम समझती थी, तुम एक नंबर की कमीनी हो, लैला दांत पीस कर बोली। हाँ हूँ और बहुत बड़ी हूँ, अब तुम फ़ोन करो, मैं फ़ोन लेकर अंदर जा रही हूँ, इसने कहते हुए फ़ोन काट दिया था, जबकि लैला हड़बड़ा सी गई थी। यारम का ही फ़ोन था, इसे दे देती है, इसने अच्छा ही किया था, अपने जुमले तैयार कर सकती थी। इसने अपने दिमाग में जुमले तैयार किए और फिर अगले ही लम्हे इसने यारम का फ़ोन मिलाया था। ओके जी गाइस, ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड जुनून यारम की। अब मुझे सियार सितमगर की रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसके लिए अब आप लोग जल्दी से मुझे इजाज़त दे दो। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक ही पार्ट में, लास्ट पार्ट में मैं अपलोड कर दूँ। तो हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपनी राइटर को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।